नमस्कार, मूव मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिजीत। बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर करार रुख इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि वो शराबबंदी के पक्षधर हैं, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कड़े तेवर दिखाए हैं। मांझी ने रानाटार में भारतीय थारू कल्याण महासंघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पढ़े लिखे लोग, यहां तक कि डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, विधायक भी रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं, लेकिन पकड़े सिर्फ गरीब जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं शराबबंदी का पक्षधर हूं, लेकिन इसमें संशोधन की जरूरत है। मांझी ने कहा कि बापू की धरती गुजरात में लंबे समय से शराब बंद है, लेकिन वहां सीमित मात्रा में शराब बिकती है। बिहार में भी कुछ इस तरह की ही व्यवस्था होनी चाहिए। आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग देवी देवताओं को पूजा के दौरान शराब चढ़ाते हैं, इसीलिए शराबबंदी कानून पर सरकार को विचार करना चाहिए। शराबबंदी गरीबों के लिए काला कानून बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के सच्चे साथी हैं, इसीलिए उन्हें सच बताते हैं। जहां कहीं गड़बड़ होती है हम उनको बताते हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि एक बोतल शराब के साथ पकड़े जाने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। 100-200 लीटर शराब के साथ पकड़े जाने पर लोगों को जेल भेजा जाए। अपने लिए एक बोतल शराब खरीदने वालों को जेल भेज देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा के बाद सिर्फ गरीबों को ही पकड़ा जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। शराबबंदी ठीक है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, लेकिन शराबबंदी के आड़ में दो प्रकार की नीति अपनाई जाती है। एक प्रकार की नीति है कि जो 250 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर या 50 मिलीलीटर जो पीता है उसको भी पकड़ करके इंप्लीकेट किया जाता है, जहाँ रोक लेकर उसको टेस्ट किया जाता है, जेल में जाता है, जेल का रहता है। लेकिन दूसरे तरफ ये ओपन सीक्रेट है, कहीं कोई हमसे पूछे इसके लिए जितनी भी पड़ताल आए हमको क्यों न दे, ये सच है। जो बड़े लोग जो धनवान हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IAS हैं, RTS हैं, जजेस हैं, ये सब लोग एक लिमिट अरसे में शराब पीते हैं 10 बजे के बाद, और वो अपना दुनिया को नहीं जानता कि वो पीते हैं। हम वही कहते हैं अपने गरीबों को क्यों पी करके इधर उधर करते हो, तो लिमिट में पियो जैसे बड़े लोग पीते हैं। और पकड़ने की बात अगर आती है इसीलिए कि तुम पी करके चौराहे पर घूमने लगते हो, इसीलिए लोग कहता है मुँह में चंगाइयाँ लगाता है और उन लोगों को भी चंगाइयाँ नहीं लगाता है, इसलिए उन लोगों से सीखो। और उसी रूप में रात में अगर तुमको कुछ लेना है तो ले करके सो जाओ, सुबह में अपना काम करो, जैसे बड़े लोग। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा कि मंत्री, विधायक, सांसद और ब्यूरोक्रेट्स रात के 10 बजे के बाद शराब पीते हैं, लेकिन सरकार का शिकंजा उन पर नहीं कसता। सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों को परेशान करती है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए मूव मीडिया के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।